तरह से दोस्तों आप किसी भी मूवी, चाहे कितना भी पुराना मूवी हो या फिर दोस्तों वो लेटेस्ट अभी रिलीज ही क्यों ना हुआ हो या फिर कोई भी वेब सीरीज हो, तो सारे वेब सीरीज मूवी को आप बहुत ही आसानी से सिर्फ दोस्तों आपको उस मूवी का नाम लिखना है एंड इंस्टेंटली दोस्तों विद इन ए सेकेंड आपको दोस्तों उस मूवी का डाउनलोड लिंक देखने। वेल अगर दोस्तों आप एक मूवी लवर हो एंड दोस्तों डेली आप मूवी को देखते हो, डेली दोस्तों आप मूवी को डाउनलोड करते हो या फिर ऑनलाइन ही आप दोस्तों डेली मूवी को वॉच करते हो, तो वहां पे दोस्तों आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है तो उसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाते हो एंड वहां पे मूवी को सर्च करते हो, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पे जाते हो एंड वहां पे सेम मूवी का नाम लिख के आप सर्च करते हो, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। दोस्तों आपको गूगल पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट दिखाई जाता है एज ए दोस्तों वेबसाइट, तो बारी बारी से आप सभी वेबसाइट को चेकआउट करते हो एंड वहां पे दोस्तों आप ट्राई करते हो मूवी को डाउनलोड करने के लिए एंड बहुत बार आपको मूवी देखने को भी मिल जाता है एंड बहुत बार आपको वो तो मूवी देखने को भी नहीं मिलता है। बस दोस्तों आपको वेबसाइट रिडायरेक्ट करती रहती है, कभी इस वेबसाइट पे कभी उस वेबसाइट से, तो इसी तरह से आपको रिडायरेक्ट करती रहती है एंड वहां पे आपको कोई मूवी देखने को नहीं मिलता है एंड मिल भी जाता है दोस्तों ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं एंड बिलीव मी दोस्तों बहुत औसम तरीका है। इस तरीके के मदद से जस्ट आपको दोस्तों जो भी मूवी देखना है, चाहे दोस्तों कितना भी पुराना मूवी हो या फिर दोस्तों लेटेस्ट अभी वो रिलीज ही क्यों नहीं हुआ वो सारा मूवी, या फिर दोस्तों वेब सीरीज जो भी वेब सीरीज वगैरह होता है वो सारा चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट दोस्तों आपको उस मूवी का वहां पे नाम लिखना है एंड इंस्टेंटली दोस्तों विद इन ए सेकेंड दोस्तों आपको आपके सामने दोस्तों वहां पे आपको डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ऑनलाइन वॉच करना चाहते हो तो ऑनलाइन वॉच करने के लिए भी दोस्तों वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों आपका जरा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा ले चलूंगा मैं अपने फोन की स्क्रीन पे एंड दिखाऊंगा किस तरह से दोस्तों इस तरीके की मदद से आप कोई भी मूवी को बहुत ही आसानी से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो चले करते दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आज को मेरे फोन के स्क्रीन पे एंड चले दोस्तों नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि किस तरह से दोस्तों आप किसी भी मूवी या फिर किसी भी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से जस्ट लिख के डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर ऑनलाइन वॉच करना चाहते हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हो जस्ट दोस्तों 2 से 3 सेकेंड में। तो आपको करना क्या, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको ओपन करना है एंड सर्च बार में जाके आपको सिंपली से यहाँ पे लिखना है दोस्तों MX प्लेयर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इस MX प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहले जाके दोस्तों MX प्लेयर को आप यहां पे डाउनलोड कर लो एंड यहां से स्किप मत करना। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर देखना है तो पूरी वीडियो देखो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, नहीं देखना है तो यहीं से आप वीडियो को लेफ्ट करके जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको MX प्लेयर एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लेना होगा एंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना है क्या दोस्तों, सिंपली से आपको अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड ओपन करके दोस्तों यहाँ पे आपको ए बी मूवी रिक्वेस्ट ग्रुप नाम का एक दोस्तों चैनल है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। पहले देख लो उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना, पहले ये वीडियो को एंड तक देख लो। तो यहाँ पे आपको करना क्या, नीचे आपको बॉक्स देखने को मिला है मैसेजिंग बॉक्स, तो सिंपली से यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जो भी मूवी आप देखना चाहते हो कोई भी मूवी है सिंपली से आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवेंजर्स लिख के एंड सिंपली से मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड कर देख सकता हूँ दोस्तों मुझे एक भी सेकंड नहीं लगा एंड नीचे देख सकते हो मुझे रिप्लाई मिल गया एवेंजर्स एंड इन्फिनिटी वार के जस्ट सामने लिंक देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, लिंक पे ऐसे क्लिक कर लेना एंड लिंक पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो एवेंजर का जितना भी मूवी है दोस्तों, द एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वार, इंड गेम, जितना भी मूवी है वो सारा आप दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला है एंड साथ ही मुझे लिंक भी देखने को मिला है। यहाँ पे मैं एक मूवी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसे डाउनलोड या फिर चलाना है। तो यहाँ पे द एवेंजर जो सबसे पहला मूवी है तो उसके जस्ट नीचे क्वालिटी भी देखने को मिला है 480p एंड नीचे 720p। तो यहाँ पे मैं 720p पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्रोम को सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको MDX यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ ऊपर में ही आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिला है एंड जस्ट बगल में आपको दोस्तों प्ले ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो उस मूवी को तो सिंपली से आपको
प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एम एक्स प्लेयर एप्लीकेशन पे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी। एंड रीडायरेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये मूवी थोड़ा बफरिंग होगा एंड दोस्तों ये मूवी स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं ये मूवी आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, बट इसी तरह से दोस्तों आसानी से आप मूवी यहाँ पे चला सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ऑडियो हिंदी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको ऑनलाइन मूवी, कोई बफरिंग इशू, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड अच्छा खासा यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों। एंड अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, प्ले ऑनलाइन के जस्ट बगल में ही आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिला, सिंपली से आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है एंड दोस्तों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एवेंजर्स 720p जो क्वालिटी मैंने सेलेक्ट किया था वो देख सकते हो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। 3.9 Mbps का स्पीड मुझे मिल रहा है एंड टोटल फाइल दोस्तों 1.18 GB का है। तो ये दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगा एंड डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों इसे आसानी से हम ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो यही तरीका है जिसके मदद से दोस्तों आप सिर्फ आपको यहाँ पे दोस्तों सर्च यहाँ पे मैसेजिंग में आपको जो भी मूवी देखना है उसका नाम लिखना है एंड इंस्टेंटली आपको उसका लिंक, डाउनलोड लिंक या फिर ऑनलाइन वॉच करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया तो उसी तरीके से आसानी से दोस्तों आप कोई भी मूवी दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन देख सकते हो। अगर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में जो तरीका बताया, जो टेक्निक मैं बताया, अगर दोस्तों उसे आपने अच्छी तरह से देखा एंड सीख लिया है कि किस तरह से उसे यूज करना है, किस तरह से उसे अप्लाई करना है, तो आसानी से दोस्तों कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी जो लेटेस्ट मूवी हो या फिर कितना भी ओल्डेस्ट मूवी है, वो सारे मूवी को दोस्तों जस्ट आप नाम लिख के उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर जैसे ऑनलाइन अगर आप देखना चाहते हो तो उसे ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको यूजफुल लगेगा। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपको कहीं सी भी थोड़ी सी भी मदद की होगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिला है उसे भी बिकॉज दबा देना, बिकॉज यहाँ पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलती रहती है। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कुछ बोलना है, अगर ये कंटेंट आपको अच्छी लगे तो नीचे दोस्तों आप कुछ ना कुछ लिखे जरूर मुझे अप्रिसिएट कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टाइम।